छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। अजीत जोगी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आ रहा था। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें 9 मई को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या एक व्यक्ति एक ही जीवन में इतना कुछ कर सकता है? अजीत जोगी ने एक ही जीवन में इतना सब हासिल किया है। कौन थे अजीत जोगी? जोगी का जन्म बिलासपुर के पेंड्रा में 29 अप्रैल 1946 को हुआ था। मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1968 में यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल विजेता रहे। 1968 में आईपीएस बने और 2 साल बाद आईएएस बने। 1985 में इंदौर में कलेक्टर रहते हुए आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। वे विधायक और सांसद भी रहे। उसके बाद साल 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने और साल 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। 2001 में मरवाही सीट से विधायक बने। राज्य में साल 2003 में हुए विधानसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से हार गई थी। 2004 में महासमुंद सीट से सांसद चुने गए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह एक दुर्घटना के शिकार हुए। 2007 में अजीत जोगी को एनसीपी नेता के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2009 में बाप बेटे दोनों ही निचली अदालत से बरी हुई। जोगी की कांग्रेस में मतभेद 2014 अंतागढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ शुरू हुई। 2015 के आखिर में एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें खरीद फरोख की बात थी। 6 जून 2016 को जोगी ने अपनी पत्नी और बेटे की मौजूदगी में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ने का ऐलान किया और साल 2016 में नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया।